Black holes are among the most fascinating objects in our universe. From the outside, you can't tell what is inside a black hole. So, ब्लैक होल के बारे में काफी सारी वीडियोस देखी होंगी तुमने, अगर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है उसमें, लेकिन उसका मैथमेटिकल एस्पेक्ट आज से पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर देखा भी होगा तो 20 लेक्चर्स लॉन्ग होगा। आज हम उसको ब्रेक डाउन करने वाले हैं एक सिंगल वीडियो में, जितना छोटा हम कर सकते हैं इसे वीडियो को उतना करने वाले हैं, और तुम्हें समझाने वाले हैं कि जो मेरे पीछे इक्वेशन लिखी है इसके पीछे का मीनिंग क्या है। मैथमेटिकल एस्पेक्ट देखेंगे कि यहां पर टाइम क्यों स्लो हो जाता है जैसे हम ब्लैक होल के पास जाते हैं, क्या अर्थ ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है, क्या सन ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है, ब्लैक होल की फॉर्मेशन क्या होती है, क्या रूल्स होते हैं ब्लैक होल बनाने के, क्या तुम ब्लैक होल एक बना सकते हो, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आज मैं तुम्हें देने वाला हूं, लेकिन यूजिंग मैथमेटिक्स। सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन से। सबसे पहले जो अभी फील्ड इक्वेशन मैंने लिखी है थोड़ी सी गलत थी, इसमें थोड़ी सी करेक्शन की थी इस इंसान ने, तो करेक्शन के बाद कुछ ऐसा है। तो ये आइंस्टीन की थोड़ी सी गलती सुधारी इसने, काश कोई हमारी भी सुधार दे। So, इसका डिस्क्रिप्शन स्टार्ट करते हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है। अगर तुम कभी भी आइंस्टीन की फील्ड इक्वेशन देखोगे कुछ ऐसी देखने को मिलती है, तुम्हें लग रहा होगा कि भैया इतनी छोटी सी इक्वेशन, बट दिस इज नॉट एक्चुअल में ये इक्वेशन को अगर मैं पूरा लिखना चाहूं तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर ये दिख चुका होगा। यहां पर हम काफी सारे सिंबल्स देख पा रहे हैं, जैसे ये यहां पर एक स्मॉल जी जैसा कुछ आ रहा है, हमारे पास आर जैसा कुछ आ रहा है। अगर क्योंकि हम मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है तो हम यहां पर फंक्शंस की बात कर सकते हैं। एक्चुअल में सबसे पहले हमें फाइंड आउट करनी होती है एक मेट्रिक, गिवन सम कंडीशंस, कुछ बाउंड्री कंडीशंस सपोज करके। यहां पे हम सपोज करने वाले हैं कि जो भी बॉडी के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक स्फेरिकल बॉडी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहां पे हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को यूज करेंगे एज कंपेयर टू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और एनी अदर कोऑर्डिनेट्स। रीजन और भी बताएंगे डीप क्या होता है। इसके आसपास हम सपोज करके चलेंगे जो राइट हैंड साइड है, ये साइड रिप्रेजेंट करती है ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम, और ये साइड रिप्रेजेंट करती है कि अगर उस ज्योमेट्री ऑफ स्पेस टाइम में किसी मैटर को रख दो, किसी प्लेनेट को, किसी स्टार को, तो वो स्पेस टाइम कैसे चेंज हो जाता है। अगर ब्लैक होल को रख दो तो कैसे चेंज हो जाता है, कैसे जो स्पेस टाइम है उसमें सिंगुलैरिटी क्रिएट हो जाती है, एंड सिंगुलैरिटी इज द पॉइंट वेयर दीज फील्ड इक्वेशंस ब्रेक डाउन। इनकी बात करने वाले, मान के चलते हैं इसके आसपास कोई भी मैटर नहीं होने वाला है, जो भी है इसके सेंटर में है, एंड लेट अस सपोज इसकी जो रेडियस है ऑलमोस्ट अप्रोचेस टू जीरो। अब इस पे आते हैं हम, यहां पर कुछ सबसे पहला काम होगा ये जी को फाइंड आउट करना, मतलब ये जो मैंने यहां पर लिखा है दिस इज द सॉल्यूशन। एक्चुअल में जो तुम्हें इक्वेशन दिखाई दे रही है, मैंने तुम्हें काफी सारे सिंबल्स दिखाए, ये बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशन है। अगर हम इसको फुली लिखना चाहूं, फुल फॉर्म में लिखना चाहूं तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, यहीं पर वीडियो छोड़ के भाग जाओगे तुम। इसीलिए मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सबसे पहले हमें जी फाइंड आउट करना होता है, दिस इज कॉल्ड मेट्रिक टेंसर। तो इसके लिए हमें टेंसर एनालिसिस सीखनी पड़ती है, विच इज वेरी हार्ड। एक्चुअल में आइंस्टीन से भी जो गलती हुई थी मुझे एक्चुअल नहीं पता है, बट क्योंकि टेंसर एनालिसिस बहुत मुश्किल है तो शायद वहां पे थोड़ा सा एरर रह गया होगा, जिसकी वजह से वो एक टर्म को लिखने भूल गए जिसमें कॉस्मोलॉजिकल कॉन्स्टेंट भी आता है। तो ये हमारे पास जी फाइंड आउट करना होता है। नाउ दीज क्रिस्टोफल सिंबल्स आर द फंक्शंस ऑफ जी। फिर उसके बाद हमें आर फाइंड आउट करना होता है, विच इज द फंक्शन ऑफ दिस क्रिस्टोफल सिंबल। तो सोचो कितनी कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी जिसे सॉल्व करना है। कॉम्प्लेक्स इसलिए भी बन जाएगी, रीजन बीइंग क्योंकि यहां पर ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ना होके ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ऑर्डिनरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ना होके ये एक नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। हम अपने कॉलेज में पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में, बट नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में नहीं पढ़ते, बिकॉज वी डू नॉट हैव सॉल्यूशंस फॉर ऑल द नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्योंकि अगर ऐसा होता तो अभी तक नेवियर स्टॉक्स इक्वेशन, जो कि पिछले कितने ही सालों से चलती आ रही है, वो अभी तक सॉल्व हो चुकी होती। फिलहाल के लिए ये हमारे पास चीज रहती है, इसमें कुछ मैपिंग्स वगैरह डिफाइन करनी होती हैं, अभी उस चीज को मैं थोड़ा सा साइड हटा के कुछ ऐसा होगा। सबसे पहले हमें एक मेट्रिक टेंसर फाइंड आउट करना होता है, ये रहा वो मेट्रिक टेंसर। हम कुछ चीजों को सपोज करके चल रहे हैं कि ये जो बॉडी है ये रोटेट नहीं कर रही है, इसके आसपास जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड है ये जीरो, आसपास कोई भी मैटर नहीं है, ये स्फेरिकल बॉडी है। सो दीज आर दी कंडीशंस जिस पे बेस्ड मैं ये मैट्रिक को डिराइव कर रहा हूं। उसके बाद अगर हम देखें तो कुछ स्पेशल केसेस हमें देखने से पहले कुछ समझाता हूं। जैसे हम यहां पर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को क्यों यूज कर रहे हैं, सबसे पहली चीज अगर मैं टू डायमेंशन की बात करूं
तो हमारे पास अगर फ्लैट स्पेस की बात करूं, कुछ ऐसे वाला स्पेस जो आज तक हम एक्स वाई एक्सिस बनाते आए हैं, इसमें हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, वो एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कर देते थे। अगर मैं उसको इन जनरल लिखूं तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर। अगर इसे ही मैं 3D स्पेस टाइम स्पेस में लिखना चाहूं तो हमारे पास कुछ 3D स्पेस में हो जाएगा, डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ। बट अगर ये स्पेस 4D हो गया तो क्या करेंगे? मैं यहां पे बात करने वाला हूं 4D स्पेस टाइम की। मतलब स्पेस अकेला नहीं होगा, स्पेस के साथ एक चीज जुड़ी होगी, हर एक स्पेशियल डायमेंशन के साथ एक टेम्पोरियल डायमेंशन, कुछ ऐसा होगा। जो यहां पे जनरलाइज चीज मैं यहां पे लिखने वाला हूं वो होगी सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर। अब यहां पे हम इसे डिस्टेंस ना बोल के यहां पर हम किसी भी दो पॉइंट के बीच में बोलते हैं, द करेक्ट वर्ड इज इंटरवल। Now we say this is an interval. अब इसमें हमारे पास दिक्कत क्या होती है कि ये फ्लैट स्पेस टाइम को डिस्क्राइब करता है, बट अगर हमारे पास ऐसे कर्व्ड स्पेस हो गया तो क्या करेंगे? Then what will happen? इसके लिए हमें स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स पे जाना होगा। सो अभी ये कर्व्ड स्पेस टाइम में भी मैं सिमिट्री मान के चल रहा हूं कि यहां पे स्फेरिकल सिमिट्री है। अगर मैं कभी भी एक स्फेयर को ड्रॉ करता हूं और मान लेते हैं यहां पे स्फेयर पे मैंने दो पॉइंट ले लिए हैं ए एंड बी, एंड व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स ऑन अ स्फेयर। यहां पे एक बात को ध्यान रखेंगे कि सेंटर से ए और बी तक का डिस्टेंस सेम रहेगा, विच इज रेडियस। तो अगर मैं यहां से फाइंड आउट करना चाहूं तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड, और ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट होते हैं आर थीटा एंड फाई। अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं डी एस स्क्वायर, क्योंकि आर सेम है तो डी आर तो जीरो हो जाएगा। हमें पता है आर डी आर हमारे पास होता है चेंज इन आर, बट चेंज इन आर जीरो हो जाएगा क्योंकि दोनों के लिए क्या है, सेम है रेडियस। अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा डी थीटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस डी फाई स्क्वायर, कुछ ऐसा लिखा जाएगा यहां पे। ये हमारे पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। तो ये जो तुम यहां पर एक चीज देख रहे हो ये यही चीज। अगर मैं इसे लिखूं आर स्क्वायर डी ओमेगा स्क्वायर तो ये रहा डी ओमेगा स्क्वायर यहां पर। तो हमने थोड़ा सा इसको ब्रेक कर लिया है इक्वेशन को, एक्चुअल में जितनी भी चीजें लिखी हैं ये हमारे पास क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में लिखी गई है। यहां पर कुछ कंडीशंस मान के चले हैं जिस कंडीशन पे मैंने इसको डिराइव किया है। सो इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि यहां से स्पीड ऑफ लाइट कहां गायब हो गई। एक्चुअल में हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम न्यू मान के चलते हैं वहां मानते हैं कि सी को वन मानेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। अब यहां पे थोड़ी सी फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, थोड़ी सी डायमेंशनल एनालिसिस आ जाएगी कि अगर हम सी को वन मान के चलते हैं तो मास कितना हो जाएगा वगैरह वगैरह। ये चीजों को एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो में रखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम यहां पर जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट वाली टर्म्स थी, यहां पर भी सी स्क्वायर आता है, यहां भी सी स्क्वायर आता है, यहां भी सी स्क्वायर आता है, उन टर्म्स को वन मान के चले हैं फिलहाल के लिए। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें कुछ स्पेशल केसेस, सबसे पहला अगर हम इसी प्लेनेट को बहुत दूर से देख रहे हैं तो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ वापिस आ जाने वाला है। इसका मतलब रिकवरी ऑफ न्यूटन्स लॉ, एग्जैक्टली दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो सबसे पहला है न्यूटोनियन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज स्टिल देयर अगर तुम बहुत दूर चले जाते हो। दूसरी चीज इंटरेस्टिंग पॉइंट्स अब सामने आने वाले हैं। अगर हम ध्यान से सोचे यहां पर ये जो R है अगर मैं इसको रखूं 2gm, what will happen then? अगर मैं R को यहां पे रख दूं तो ये वाला डायमेंशन, ये चीज क्या हमारे पास हो जाने वाली है, जीरो। और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। यहां पे C को वन मान के चला उसको ध्यान रखना, एंड दिस इज कॉल्ड श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस। मतलब अगर तुम यहां पे एक कोई ऐसा स्टार है जो सन से 100 बिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है, ज्यादा मैसिव है, अगर तुम उसको यहां पे डालते हो, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखते हो, तो श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस वहां से कैलकुलेट कर सकते हो कि एक्चुअल में जब वो ब्लैक होल बनेगा तो उसकी कितनी रेडियस होगी। ऐसे ही अगर हम सन के लिए निकालना चाहेंगे देन यू विल बी सरप्राइज्ड कि अगर सन को ब्लैक होल बनना है तो वह लगभग 3 किलोमीटर की रेडियस का एक स्फेयर बन जाएगा। 3 किलोमीटर सन के कंपैरिजन में सोचो इतना सा बन जाएगा। अगर मैं अर्थ की बात करूं वो तो तुम अपने हाथ में भी पकड़ पाओगे क्योंकि ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर अगर अर्थ को पूरा कंप्रेस करके, मान लो ऐसे हमारे पास पावर आ गई, मैं अर्थ को कंप्रेस कर सकता हूं और कंप्रेस करने के बाद 1 सेंटीमीटर की बना दूं, तो कुछ ऐसे। अगर मैं माउंट एवरेस्ट की बात करने वाला हूं तो अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर के आसपास अगर मैं उसको कंप्रेस कर दूं, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट अगर मैं उसको कंप्रेस करूं तो वो भी एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। तो यहां पे ये जो चीज आती है, लेकिन अगर तुम देखो ध्यान से
यहां से Schwarzschild रेडियस मिल गई, सारा कुछ समझ आ जाता है, मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन इज स्मूथ। बट अगर तुम ये चीज यहां पे डालोगे तो दिक्कत है, क्योंकि यहां पे पावर में है माइनस वन। अगर यहां पे आर की प्लेस पे डाल दूंगा 2gm, देन दिस विल कैंसिल आउट, 1 माइनस 1 जीरो, और जीरो की पावर माइनस 1 मतलब 1 बाय 0 विच इज इंफिनिटी। अब ये क्या चीज आ गई, मतलब सॉल्यूशन में इंफिनिटी भी आ रही है। यस एग्जैक्टली, सॉल्यूशन में इंफिनिटी भी आ रही है, मतलब ये जो स्पेस टाइम है उसमें कुछ दिक्कत होगी। क्या इसे भैया सिंगुलैरिटी बोलते हैं? हमने बहुत बार ऐसा वर्ड सुना है सिंगुलैरिटी, नहीं इसे सिंगुलैरिटी नहीं बोलते, इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ब्रेकडाउन। व्हाट फिजिसिस्ट से दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ब्रेकडाउन। एंड द नेक्स्ट थिंग, वेरी नेक्स्ट थिंग, अगर तीसरा स्पेशल केस देखें तो आज के बाद अगर तुम्हें अपनी अपने लिए भी अगर कैलकुलेट करना हो कि तुम्हारा साइज कितना हो जाए कि तुम ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाओ, यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं क्या हर चीज ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहां से मैं एक स्टीफन हॉकिंग के वर्ड्स में कुछ बताना चाहूंगा कि हमारे यूनिवर्स में क्वांटम ब्लैक होल्स भी पॉसिबल हैं। इन फ्यूचर अगर डिस्कवर होते हैं देन द पर्सन विल गेट नोबेल प्राइज ऑफ कोर्स, बट दैट इज द एपिसोड फॉर द फ्यूचर। फिलहाल वापस आते हैं, अगर तीसरा केस देखें, एज आर अप्रोचेस टू जीरो, जैसे ही प्लेनेट का रेडियस जीरो को अप्रोच करेगा, ये हमारे पास अगर इक्वल टू जीरो हो गया, दिस इज कॉल्ड सिंगुलैरिटी एंड दिस इज द पॉइंट वेयर दिस इक्वेशन ब्रेक डाउन। यहां पे क्या होगा ये इक्वेशन नहीं बता पाती है। अगर रेडियस ऑफ प्लेनेट इज अप्रोचिंग टू जीरो, या प्लेनेट या स्टार की बात करें, तो ये पॉइंट ऑफ सिंगुलैरिटी होती है। यहां पे हमें नहीं पता क्या होने वाला है, बट हम एक और चीज यहां से देख सकते हैं, एज आर अप्रोचेस टू जीरो, एज आर अप्रोचेस टू जीरो, इस कोफिशियंट को अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। इसका मतलब, इसका मीनिंग, टाइम स्लोज डाउन। यहां से तो हमारे पास कोई इस बार दिक्कत नहीं होगी, ये सारे कोफिशियंट हमारे पास जीरो बन जाएंगे, क्योंकि एज आर अप्रोचेस टू जीरो दिस अप्रोचेस टू इंफिनिटी एंड इंफिनिटी रेस टू पावर माइनस वन जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा, बट ये इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हारे पास कितना समय होने वाला है, तुम्हारे लिए टाइम क्या हो जाएगा, स्लो। जैसे ही एक ऐसे पॉइंट पे अगर तुम सिंगुलैरिटी के पास चले जाओगे, इफ पॉसिबल अगर तुम सिंगुलैरिटी के पास जाओगे तो तुम्हारे लिए टाइम रुक जाने वाला है। एग्जैक्टली, एक्चुअल में टाइम रुक जाएगा, एंड दैट इज व्हाट वी हैड टू डिस्कस टुडे। सो आई होप कि तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होंगी। नेक्स्ट इक्वेशन भी हम बहुत इंटरेस्टिंग लेने वाले हैं, एक बार गेस करके बताना कमेंट बॉक्स में। मुझे पता है यहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में घूम रहे होंगे कि ये इक्वेशन को क्या हम सॉल्व भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आने वाले फ्यूचर एपिसोड्स में और मैथमेटिकली रिग्रस यहां पे चीजें करने वाले हैं, लेकिन आज के लिए एक जनरल ऑडियंस के लिए वीडियो बनाई गई थी ताकि सभी इस वीडियो का आनंद ले सके। सो आई होप कि चीजें क्लियर हो। अगर मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे कमेंट में लिख दो। मिलते हैं नेक्स्ट में एक और इक्वेशंस के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।